الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدات من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين असलकम वर हम वर्क उम्मीद है कि आप सभी ईमान से तो तकबा की बेहतरीन हालतों में होंगी अल्लाह तबारक वाली आपकी तरफ़ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे आमीन आज तफसीर सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर वन फिफ्टी सिक्स है जो इन शुरान की आयत नंबर वन नाइन्टी सिक्स से स्टार्ट होगा और आज इन शाह हम सुर इमरान को खत्म कर देंगे आज का लेसन पिछले लेसन से थोड़ा छोटा होगा और और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत के साथ साथ कुछ गला भी ख़राब है इस वजह से शायद साफ़ आवाज़ ना आए और मैं माजत खवा हूँ अगर आपको इसे डिस्टर्बेंस फील हो तो लेसन को स्टार्ट करते हैं बसम ला ्लुबी ए नबी सब धोखे में ना डाले इन काफ़रों की चलत फ़रत शहरों के अंदर यानी कि ये जो काफिर इधर से उधर और उधर से इधर भाग दौड़ कर रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए साजिशें कर रहे हैं हर है तरफ़ से कुतें इकट्ठी कर रहे हैं इससे आप असल किसी धोखे में ना आए किसी मुगालते का शिकार ना हो कि इनकी ताकत के बारे में कहीं आप मरबूब ना हो जाएँ मतअलील ये तो बस थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है ये तो महज़ चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए हमने इन्हें कुछ साजो सामान दिया है अब यहाँ पर इशारा इस बात की तरफ भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक राम और आपके बाद जो भी शख्स क़ुरान को पढ़े तो उसको ये जान लेना चाहिए कि कुफार के पास जो मालो दौलत और शान शहरत है वो सिर्फ़ चंद रोज़ा ज़िंदगी की है अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश के तौर पर ये नियमतें अता की हैं ये उनका इनाम नहीं है ये उनकी आजमाइश है उनकी सज़ा है ताकि वह अपने ग्राहों में और इजाफा कर लें तो आप उनको देख कर किसी ग़लत फहमी में ना मुबला हुईगा कि अगर इनके पास माल ज़्यादा है ताकत ज़्यादा है तो शायद यही कामयाब लोग हैं ये सिर्फ़ चंद रोज़ा ज़िंदगी का साजो सामान है उसके बाद अवा हम जहन्नम फिर इनका ठिकाना जहन्म ही होगा वह सलमिहाद और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है लाकिन लदीन तक रबा इसके बरक्स जिन लोगों ने अपने रब का तकवा हम जन्नातन तजर तहतिहल अनहार ख़ालदी नफ़ीहा इनके लिए ऐसे बागात हैं कि जिनके के दामन में नदियाँ बहती होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे रुज़ुलमिन ये उनके लिए इब्तदाई मेहमान नवाजी होगी उनके रब की तरफ से अमाइंद खैरलबर और मज़ीद जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत बेहतर है नेकोकारों के लिए जन्नत की असल नियमतें तो बयान में आ ही नहीं सकती इनके बारे में हज़रत अबू हुर रजील्ल्ला तहों से मरवी है कि रसूल सरमाया अल्ला तर्शाद है मैंने अपने सालह बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना तो किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल ही गुजरा यानी बीन द इमेजिनेशन हमारी सोच से भी ऊपर की चीज़ है जन्नत जनाचा कुरान और हदीस में जन्नत की जिन नियमतों का तस्करा है इनकी हैसियत अहल जन्नत के लिए नज़ुल यानी कि इब्तः मेहमानी की होगी

और इस पर भी जो ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी ईमान रखते हैं जो उनकी तरफ नाजिल किया गया यानी कि वो लोग जो तोरा जबूर इंजील पर भी यकीन रखते हैं और फिर कुर मजीद पर भी ईमान लाते हैं ख़ाशाइन अल्लाह और वो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है वो आजि से उनके सारी इख्तियार करते हैं ला यशतरु नबी आयात कलीला और वो अल्लाह ताला की आयत को हकीर सी कीमत पर फ़रोख नहीं करते यानी दुनिया के हकीक़ से फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयत को पसे पिशतनी डालते या जैसे मैंने आपको यहूद का सुनाया था वाक़ कि वो लोग अपने अमीरों को अपने सरदारों के कहने पर उनसे कुछ माल लेकर आयात में रद्दबदर कर देते थे कर देते थे तो तो वो अहल किताब जैसा नहीं करते हम आइंदर अबिम तो ऐसे लोगों का अजर इनके रब के पास महफूज है इन अल्लाह हसरी और हिसाब और अल्लाह ताला जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है वो हिसाब लेने में देर नहीं लगाता और अब आखिरी आयत जो है वो बहुत ही जामे है कि या अय्यू हल्लादीन आमन उसबी रू व शवाबी ए अहल ईमान सब्र करो और सब्र में अपने दुश्मनों से बढ़ जाओ मुसाबरत बाबे मुफा आला से है और इस बाब में मुकाबले का मफहम पाया जाता है अब ये ज़रा ग्रामर की बात है तो जो लोग ग्रामर जानते हैं उनको समझ में आ जाएगी मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा सबर के माना है बर्दाश्त करना साबित कदम रहना जबकि मुसाबरत के माना सब्रकामत में दुश्मन से बढ़ जाने के हैं यानी अः मुसलमानों सबर तो तुम्हारे दुश्मन भी कर रहे हैं लेकिन तुम्हें जो आज धचका लगा है जो शिकस्त तुम्हें हुई है वही शिकस्त इन्हें एक साल पहले हो चुकी थी तो इतने बड़े धचके के बाद जब वो एक साल के अंदर अंदर तुम पर चढ़ाई करने के लिए कमर बस्ता हो गए हैं अपने गमों को अपने दुखों को उन्होंने एक साइड पर रखा और तुम्हारे साथ मुकाबले के लिए वो तैयार हो गए तो अब तुम्हें भी इनसे बढ़ कर सबर करना है इनसे बढ़ कर कुर्बानियाँ देनी है तभी तुम अल्लाह के सच्चे वफादार साबित हो गए वो और मरबूत रहो बराबतता पहरे को भी कहते हैं और नज़म वब्त को भी यानी कि डिसिप्लिन इख्तियार करो बाहम अब आपस में बाहम जुड़ कर रहो कजबे अहद ने मुसलमानों को शिकस्त नजमो ज़ब्त के ढीलेपन और समा में कुताही की बायसी हुई थी लिहाजा यहाँ सब्रमसवरत के साथ साथ नजमो ज़ब्त की पाबंदी और मरबूत रहने की भी ताकीद की गई है और ये बहुत ज़रूरी है मत तकअ और अल्लाह का तकवा अख्तियार किए रखो ताकि तुम फलाह पाओ और ये आखिरी और अहम तरीन चीज़ है ये सब कुछ करोगे तो फ़लाह मिलेगी ऐसे घर बैठे हाथ पर हाथ धरे फलाह नहीं मिलती जहद करनी पड़ती है कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तो लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की बाकी अल्लाह ताला पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने पर अमल करने की तौफीक आता फरमाए दुआओं में याद रखिएगा रब्बन तक़बल मिनना इन्नका अंतास समीउ अलीम वतब अलैना और आखिर दुआ बना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह